तो गाइस आज के वीडियो में हम बनाने वाले चाउमीन अपने स्टाइल में तुम लोग के खाने के लिए घर पे। तो तुम लोग को चाहिए प्याज, शिमला मिर्च और बंदी भाजी, सबको अच्छे से काट लो। अगर तुम लोग के पास रंग बिरंगे प्याज रंग बिरंगे शिमला मिर्च होंगे तो उसको भी काट सकते हो। तो मैंने इसको अच्छे से बराबर से काट लिया और बड़े बड़े पीसेस करना क्योंकि के लिए वीडियो लेने के चक्कर में यहाँ पे पूरा कबाड़ा हो चुका है। ये सब होने के बाद तुम लोग आराम से अपने किचन में चुपचाप जाओ, लाइट ऑन करो और अपना रेसिपी चालू करो, घर पे नहीं पता चलना चाहिए। तो तुम्हारा शिमला मिर्च और प्याज करने के बाद तुम्हें चाहिए बंदी भाजी, जिसको मैंने पहले से ही काट के रखा है। अच्छा, और हमें चाहिए कड़ी पत्ता शो ऑफ के लिए, और ये है चाउमीन का पैकेट जिसको मैंने लाया था बाजार से। ये बोलते हैं चाउमीन छोटू, जितने चाउमीन तुम्हें चाहिए उतने चाउमीन तुम उबाल सकते हो पानी में गरम गरम, और इसमें नमक जरूर डाल देना। नमक डालने से ना जल्दी उबलता है अच्छे से। ये चीजें तुम्हें करने तो आती होगी कि उबले हुए चाउमीन को छान के अच्छे से निकाल देना है। और अच्छा। कसम तो थोड़ा हाथ जलने जुलाने के बाद अपने चाउमीन को छान के निकाल लेना, पानी को फेंक देना। जो चाउमीन निकलेगा उसको ठंडे पानी में डाल के थोड़ा और ठंडा करके और छान लेना एक बार, जिससे अच्छा हो जाए। उसके बाद उसको एक पतीले में रख के साइड कर देना। बारी आती है अपने कढ़ाई वाले चीज़ की, उसमें डालना है सबसे पहले तेल में डालना है तुम्हें कड़ी पत्ता, उसके बाद प्याज अच्छे से भून लेना, उसके बाद डालना है उसके ऊपर से शिमला मिर्च, उसके बाद थोड़ा भुनने के बाद उसमें डाल देना बंदी भाजी। बंदी भाजी डालने के बाद अगर तुम्हारे पास चाउमीन मसाला है तो चाउमीन मसाला भी डाल देना, या फिर मैगी मसाला डाल सकते हो, और इस पे डाल देना थोड़ा सा नमक। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद तुम्हें आएगा सुगंध, लालच मत मानना, क्योंकि अभी इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा सॉस। सॉस डालने के बाद अगर तुम्हारे पास सोया सॉस है तो वो भी डाल सकते हो तुम लोग। मिलाने के बाद उसमें डाल देना चाउमीन जो तुमने उबाला है, उसके बाद मिक्स कर देना। मिक्स करने मेरे को आता नहीं है अच्छे से, और तुम लोग अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर से सॉस डाल लेना, नहीं डालना तो मत डालना, और अपना टीवी देखते देखते एंजॉय करो, अकेले खाओ चुपचाप, और बर्तन धो के रख देना।